हेलो दोस्तों, गेट्स मैचेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड। सो बेसिकली होता है कि ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एड्रेसिंग मोड, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो हमने लास्ट वीडियो जो है वो डिस्कस की थी कि व्हाट इज रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड और वो कैसे काम करती है। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें ताकि आपको पूरा बेसिक आइडिया पता लग जाए कि रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होता क्या है। एक छोटी सी मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन फिर दे देता हूँ कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है ऑपकोड है और एड्रेसिंग की फील्ड है। तो रजिस्टर इनडायरेक्ट में हमें एड्रेसिंग फील्ड में क्या मिलेगा, रजिस्टर का नंबर। हम उस रजिस्टर नंबर पे जाएंगे, लेट्स से R1 मिला, हम R1 रजिस्टर पे गए, सेट ऑफ रजिस्टर्स हमारे पास हैं, उनमें से हम R1 पे गए, R1 में जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको आपने ऑपरेंड नहीं माना, वो एक्चुअल में क्या है, मेमोरी का एड्रेस है। अब आप जाओगे उस मेमोरी पे, ये एक्चुअल में क्या है, आपकी मेमोरी। तो आप मेमोरी में जाओगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब 100 पे जाओगे, और 100 लोकेशन में जो भी लिखा हुआ है उसको आप कंसीडर करो एज ए क्या, ऑपरेंड। तो यानी एक्चुअल में आपका ऑपरेंड क्या है, 200, लेकिन आपको मिला कैसे, ये पूरी कंप्यूटेशन करने के बाद। और उसके बाद आपको जो भी करना है, ऐड करना है जो भी, अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये है एक्चुअल में ऐड R1, ये है एक्चुअल में ये इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब क्या है हमें, कि हमने ऐड करनी है वैल्यू क्या, एक्यूमुलेटर में, क्योंकि हम एक्यूमुलेटर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, सिंगल एक्यूमुलेटर को। तो एक्यूमुलेटर में हमने क्या ऐड किया, R1 के अंदर से जो डेटा मिला, फिर हम मेमोरी में गए और मेमोरी से जो डेटा हमने उठाया वो ऑपरेंड की वैल्यू को हमने एक्यूमुलेटर में ऐड किया। तो ये है एक्चुअल में फंडा किसका, ये इंस्ट्रक्शन का। लेकिन ये हम जनरली यूज करते हैं जब हमें सेम एड्रेस को बार बार रेफरेंस करना हो, मतलब हमारा कोई डेटा है जो सेम एड्रेस पे ही बार बार आ रहा है। जब हम स्वैपिंग करते हैं, स्वैप आउट स्वैपिंग करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में जनरली हम पढ़ते हैं कि हम पेजेस को स्वैप आउट करते हैं, स्वैपिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बार बार एक ही एड्रेस को बार बार यूज कर रहे हैं, तो अगर हम एड्रेस को बार बार यहाँ पे देंगे तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ही यहाँ पे टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली रजिस्टर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कि सम हार्डवेयर हैं जो स्पेशली ये पर्टिकुलर एड्रेसिंग मोड को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ऑटो डिक्रीमेंट और ऑटो इंक्रीमेंट में फंडा क्या है, कि हमारे पास अगर टेबल ऑफ डेटा है, या आप कह सकते हो एरे ऑफ डेटा है, लेट्स से हमारे पास लोकेशन है 200, 201, 202, 203, लाइक दैट। मतलब मैंने इसी मेमोरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब हमारे पास मेमोरी लोकेशन है 200, 201, 202, 203, इस तरीके से हमारे पास मेमोरी लोकेशन है। और अगर मेरे पास मेरा जो ऑपरेंड है वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पड़ा है, तो मैंने रजिस्टर इनडायरेक्ट में मैंने क्या करना है, रजिस्टर के एड्रेस में मैंने क्या लिख देना है, यहाँ पे रजिस्टर में मैंने लिख देना है 200, और जब मैं यहाँ पे जाऊँगा 200 लोकेशन पे तो मुझे क्या मिल जाएगा, अपना ऑपरेंड जो है वो मिल जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास टेबल ऑफ डेटा का मतलब क्या है, या एरे ऑफ डेटा का मतलब है कि हमें कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंशियली डेटा को एक्सेस करना है। जैसे हम टेबल, अगर हम डेटाबेस की बात करें तो हमारे पास पूरा टेबल है, टेबल में हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल, मतलब मेरे को पूरे टेबल का डेटा जो है वो फेच करना है। तो मतलब सीक्वेंशियली जब कॉन्टिन्यूसली आपको डेटा को फेच करना है, तो आपने 200 लोकेशन से डेटा निकाल लिया। कैसे निकाला, रजिस्टर इनडायरेक्ट में, पहले आप रजिस्टर पे गए, 200 पे गए, 200 लोकेशन पे जो डेटा है वो आपने निकाल लिया, मतलब ये कंप्यूटेशन आपने की। लेकिन उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा पड़ा है वो कहां पड़ा है, 201 पे, उसके बाद 202 पे, 203 पे। लेकिन अब आपको 201 एड्रेस रजिस्टर में डालने की जरूरत नहीं है, 202 एड्रेस रजिस्टर में डालने की जरूरत नहीं है, 203 एड्रेस रजिस्टर में डालने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का यही बेनिफिट है। ये करेगा क्या, हम ऐसे लिख देंगे लोड लेट से R1, मतलब R1 की वैल्यू जो है, लेट से R1 हमने यहां पे 200 से स्टार्ट कर दिया, तो हम पहले R1 पे गए, क्या मिला मेरे को 200, हम 200 लोकेशन पे गए तो 200 पे जो भी डेटा है वो हमने लोड कर दिया एक्युमुलेटर के अंदर। और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, प्लस, प्लस का मतलब क्या है कि हमने R1 लोकेशन में जाके और फिर उसके बाद मेमोरी लोकेशन में जाके जो भी डेटा था उसको एक्युमुलेटर में हमने लोड कर दिया, जो भी यहां पे मेरे को मिला, लेट से डेटा मिला 10। अब उसके बाद क्या होगा, हमने प्लस कर दिया, प्लस का मतलब क्या है कि आपको अब रजिस्टर में 201 202 लोड करने की जरूरत नहीं है, आप रजिस्टर के ऑटो इंक्रीमेंट और ऑटो डिक्रीमेंट मोड का यूज कर सकते हो। रजिस्टर्स बेसिकली होते क्या है,
collection of flip-flops. और collection of flip-flops को आप as a counter use कर सकते हो, मतलब multiple flip-flops को आप connect कर सकते हो as a counter. तो अगर इनको as a counter connect कर सकते हैं, तो हम एक clock pulse से, बिना किसी ALU के, बिना हम CPU की help से, direct एक clock pulse देके हम इसको क्या कर सकते हैं? Increment कर सकते हैं या decrement कर सकते हैं based on our requirement. तो जैसे ही हम increment करेंगे, तो automatically next जो है हमारा 201 address पे जो भी data पड़ा है, उसको हम directly fetch कर लेंगे. उसके बाद फिर increment करेंगे एक clock pulse लगा के next instruction को fetch कर लेंगे. तो हमने किया कि actual में benefit हमें क्या मिला कि हमने सिर्फ starting address को ही हमने यहाँ पे register set में रखा और हमने computation करके starting address से operand को निकाला. Rest of the operand value हमने बिना address के direct auto increment और auto decrement करके जो भी हमारे question के according requirement है हमने direct उस data को निकाल लिया. तो यानी हमारा पास यहाँ पे क्या हो रहा है, computation कम हो रहे हैं, speed बढ़ रही है. Obviously सिर्फ एक computation करनी है, बाकी आपने क्या करना है, सिर्फ register का जो auto increment और decrement वाला जो mode है, जो benefit है, वो आपको use करना है. एक clock pulse दोगे तो ये क्या होगा, next जो है वो increment हो जाएगा, मतलब जो 200 address है वो 201 में automatically convert हो जाएगा. फिर आप 201 से data निकाल लो, 201 के बाद 202 हो जाएगा, 202 से निकाल लो, 203 से निकाल लो, तो इस तरीके से increment होता रहेगा. आपको बार बार load करने की जरूरत नहीं है, इस address को लोड करने की जरूरत नहीं है. तो ये एक्चुअल में स्पेशल बेनिफिट है, स्पेशल केस है किसका, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का. तो कुछ हार्डवेयर्स हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन सेट हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं. तो जो भी सपोर्ट करती हैं, वहां पे हमें क्या मिल रहा है, बेसिकली स्पीड का बेनिफिट जो है वो यहां पे हमें मिल रहा है. दैट्स इट.